दोस्तों फाइनली Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है Redmi Note 4 को और आज दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूं और शेयर करूंगा एक गिव अवे कॉन्टेस्ट की डिटेल्स जहां पे आप पार्टिसिपेट करके इसी Redmi Note 4 को जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम पिछले बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि Xiaomi दोस्तों नया फोन लेके कब आएगा, तो यहां पर दोस्तों आ चुका है Redmi Note 4। ये है दोस्तों फोन, जो पैकेजिंग है वो है टिपिकल Xiaomi स्टाइल। आपको यहां पे मिलता है दोस्तों कुछ बेसिक पेपर वर्क और उसके अलावा एक माइक्रो यूएसबी केबल और साथ में दोस्तों आपको मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर्स का एक चार्जर। दोस्तों यहां पर जो फोन है आपको देखने को मिलता है कंप्लीट मेटल इनवर्ट डिजाइन के साथ में, जो एजेस है वो कंप्लीट चैम्फर्ड है। दिखने में दोस्तों काफी प्रीमियम ये लगता है, आपको एक नजर में हो सकता है दोस्तों कंफ्यूजन हो जाए Redmi Note 3 और इसके बीच में, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे बारीकी से तो यहां पर दोस्तों पहचान कि ये है Redmi Note 4 और वो दूसरे वाला है वो है Redmi Note 3। आपको दोस्तों यहां पे मिलता है 5.5 इंच का एक फुल HD IPS डिस्प्ले, जहां पे हमने यूज किया है 2.5D ग्लास को, लेकिन भूल दोस्तों गए हैं इस बार वापस से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को, तो ऐसे में आपको बचाए रखना पड़ेगा अपने फोन को, वरना अगर नीचे गिरा तो चांसेस हैं कि शायद आपका Redmi Note 4 दोस्तों चार टुकड़ों में टूट जाए। दोस्तों इसके अलावा आपको यहां पे मिलता है Snapdragon 625 प्रोसेसर, जो कि है एक ऑक्टा कोर CPU। यहां पे दोस्तों आर्किटेक्चर है वो है Cortex A53 का, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 GHz तक, और दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो यूज की गई है 14 मीटर की। दोस्तों इसके अलावा आपको मिलता है Adreno का 506 GPU, 2GB 3GB 4GB RAM को दोस्तों तीन अलग-अलग ऑप्शंस। अगर आप चूज करते हैं 2GB या फिर 3GB RAM तो यहां पे दोस्तों आपको मिलती है 32GB की स्टोरेज, और अगर आप जाते हैं 4GB RAM के साथ में तो यहां पे दोस्तों आपको मिल जाएगी 64GB की स्टोरेज। लेकिन दोनों केसेस में आपके पास में ऑप्शन है कि आप दोस्तों मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो स्लॉट है वो एक हाइब्रिड स्लॉट। यहां पे दोस्तों जो बैटरी है वो है 4100mAh की सील्ड इनसाइड, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोस्तों अभी भी Xiaomi ने हमको नहीं दिया है। जो दोस्तों रियर कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, F2 का एपर्चर है, 1.12 माइक्रोन का दोस्तों पिक्सल साइज है, और यहां पे आपको PDAF का सपोर्ट भी मिल जाता है। जो फ्रंट दोस्तों कैमरा है यहां पे वो है 5 मेगापिक्सल का, सेम दोस्तों यहां पे जो एपर्चर है वो है F2.0 का। बाकी दोस्तों टिपिकल जो है आपको मिलता है सबका सब Xiaomi स्टाइल के अंदर सामान, जैसे कि पीछे दोस्तों आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऊपर दोस्तों आपको मिलता है IR ब्लास्टर, उसके अलावा दोस्तों एक तरफ मिलती है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ट्रे, उसके अलावा आपको मिलता है नॉर्मल वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। दोस्तों जो स्पीकर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं Redmi Note 3 में थे पीछे, लेकिन इस फोन दोस्तों मिलते हैं स्पीकर्स नीचे की तरफ, और यहां पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों दो वेंट्स, लेकिन यहां पे एक स्पीकर है और एक है दोस्तों आपको नॉर्मल माइक। बेसिक दोस्तों सारे सेंसर्स आपको इस फोन के अंदर मिल जाते हैं, जायरो सेंसर्स हो, चाहे वो प्रोसीमेंट सेंसर हो, चाहे वो हो LED नोटिफिकेशन लाइट, और ये है दोस्तों आपके सामने Redmi Note 4। अब यहां पे दोस्तों जो फोन है इसकी अगर मैं बात करता हूं प्राइस की, तो दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च किया है 9,999 रुपए के अंदर, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज। अगर आपको चाहिए 3GB रैम और 32GB स्टोरेज तो दोस्तों यहां पे आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा 10,999 रुपए का। और दोस्तों अगर आपको चाहिए 4GB रैम और 64GB स्टोरेज तो दोस्तों उसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 12,999 रुपए, यानी कि करीब करीब 13,000 रुपए। अब यहां पे दोस्तों जो फोन है ये आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे, अगर आप चाहें तो उसको एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं mi.com से। दोस्तों सेल्स हमें शुरू हो जाएंगी 23 जनवरी से। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई स्नैपड्रैगन 625 क्यों, तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि ये दोस्तों एक बहुत ही बैलेंस्ड चिप है, मैंने इसको यूज किया है Redmi Note 4 के अलावा Redmi 4 Prime में, और यहां पर दोस्तों जो फोन है वो दिखने में काफी हद तक सेम ही है, आपको लगेगा एकदम सेम है। और यहां पर दोस्तों Xiaomi ने स्नैपड्रैगन 625 को यूज किया है, जो कि एक बहुत अच्छी चिप है, एकदम बैलेंस्ड चिप है, मतलब मेरे हिसाब से बैटरी एफिशिएंसी के मामले में और दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में जो बेस्ट पॉसिबल मैच आपको मिलता है वो दोस्तों शायद आज तक जो मेरे को देखने को मिला है वो मिला है स्नैपड्रैगन 625 में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब Snapdragon 650 से दोस्तों आगे निकल जाएगा बेंचमार्क्स में, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल यूज कर लें, हैवी यूज कर लें, गेमिंग कर लें, आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं मिलेगी, और दोस्तों साथ में आपको मिलेगी एक बहुत ही कमाल की बैटरी एफिशिएंसी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास में करंटली Redmi Note 3 है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इस फोन को अपग्रेड करें या खरीद लें, क्योंकि ऐसे में दोस्तों आपको जो फोन है वो बहुत मतलब सिमिलर एक तरीके से, ऐसा कुछ ज्यादा यहां पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन हां, अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर है तो दोस्तों ऐसे में आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो कैमरा है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों यहां पे कैमरा आपको मिलेगा बेसिकली एवरेज में कहूंगा, मतलब नोट 3 से स्लाइटली बेटर, इसके अलावा दोस्तों यहां पे कुछ भी कैमरा में खास नहीं है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो फोन है वो एक कंप्लीट पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है। अब अगर हमसे बात करते हैं दोस्तों गिव अवे कॉन्टेस्ट की, कैसे आप पार्टिसिपेट करें और कैसे दोस्तों आप जीत जाएंगे इस Redmi Note 4 को, तो यहां पर दोस्तों मेरे पास जो वर्जन है, हालांकि वो इंडियन वर्जन नहीं है दोस्तों, ये है चाइनीज वर्जन, यहां पर आपको मिलता है MediaTek का X20 प्रोसेसर, 64GB की स्टोरेज और 3GB की रैम। और दोस्तों यहां पर जो फोन है ये मैं आप में से किसी एक को दे दूंगा। आपको दोस्तों करना सिर्फ इतना है कि चैनल को करना है सब्सक्राइब, और दोस्तों इसके अलावा नीचे कमेंट टेक करना है
क्या आपको Redmi Note 4 पसंद आया, अगर आया तो क्यों, और अगर आपको Redmi Note 4 पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया। और दोस्तों ऐसे में मैं यहां पे एक रैंडम कमेंट पिक करने वाला हूं 31 जनवरी को, और दोस्तों उसके बाद में 1 फरवरी को रिजल्ट्स हैं वो मैं अनाउंस कर दूंगा। आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे मेरे फेसबुक पेज पे और ट्विटर के ऊपर, तो अगर आपने वहां पे जाके अभी तक उनको लाइक नहीं किया है, अगर आपने दोस्तों वहां पे फॉलो नहीं किया है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक्स, आप उनको फॉलो कर लीजिए ताकि आप जो रिजल्ट्स हैं वो मिस ना करें। और ऐसे में बस यही दोस्तों इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। Redmi Note 4 जो है वो मतलब सोचा था कि हाँ बहुत कुछ होगा दोस्तों, इतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाँ यार आपको प्राइस में मतलब अगर 10,000 रुपये के अंदर इतना सब कुछ मिल रहा है तो एक अच्छी बात है यहाँ पे दोस्तों Xiaomi की तरफ से। और ऐसे में आप बताओ कि आप इस फोन को दोस्तों ले रहे हो या नहीं, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूले, हो सकता है क्या पता आपको फ्री में ये फोन दोस्तों मेरी तरफ से एक तोहफे के रूप में मिल जाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।